हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं भाई चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस विया यूएसबी। ये प्रॉब्लम जब भी हम अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं तो हमारा फोन एक तो चार्ज नहीं होता है और साथ में हमें ये नोटिफिकेशन दिखा देता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है, चाहे वो सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, रेडमी है, कोई भी फोन है दोस्तों, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, मैं इस नोटिफिकेशन और इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अभी देख सकते हैं चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस विया यूएसबी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं सिर्फ आपको एक सेटिंग बताऊंगा जिससे दोस्तों आप इजीली एक क्लिक की मदद से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना होगा दोस्तों, हमें आना है यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग के ऊपर। आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है, ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन आपके पास है जिसपे आप सैमसंग है, मोटो है, या कोई भी रेडमी का फोन है, या कोई भी फोन आपके पास है जिसमें दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपने जस्ट करना क्या है, अगर आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर नहीं तो मिलता है दोस्तों, आप नीचे आए। नीचे आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप क्लिक करें। अच्छा, इससे पहले दोस्तों आपने अपने फोन का जो है वो डेट टाइम जो है वो आपने सेट करना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मुझे जो वो सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसको आपने जो वो ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब मुझे आना है नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे एक डिवेलपर ऑप्शंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी मेन सेटिंग छुपी हुई है। अगर आपको ये शो नहीं होता तो दोस्तों आपने आना है यहाँ पर अबाउट फोन का, ठीक है। कुछ फोन का आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी कि नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। अबाउट फोन में आके आपको डिवेलपर ऑप्शन, इस पर आपने जो है 6-7 बार जो है वो क्लिक करना है और जो आपका जो है डिवेलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कहा जाए कि नो नीड, यू आर रेडी ए डिवेलपर ऑप्शन मेरे फोन में है, तो मैं इसीलिए इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। तो आपने इस पर 6-7 बार क्लिक करना है तो आपका अनेबल हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ भाई जान दोबारा से सेटिंग्स के ऊपर एडिशनल, और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद मुझे आ जाना है लास्ट पर। लास्ट पर आने के बाद मुझे डिवेलपर ऑप्शंस देखने को मिलेगा, मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूएसबी डीबगिंग, और इसको आपने अनेबल करना है। ये ज्यादातर जो अनेबल होता है, ठीक है, अगर आपका ये अनेबल नहीं है तो आपने इसको जल्दी से अनेबल कर देना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्क्रीन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको ओके करके अनेबल कर लूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल विया यूएसबी। ये देख रहे हो जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है वो ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूएसबी सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूएसबी डीबगिंग, आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स का देखने को मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है, इसको भी आपने अनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जब यहां पर ऑप्शंस और कोई नहीं देखने को मिलते, ठीक है, अब बाकी आपके खुद ब खुद जो है वो ऑन होंगे। और आपने अपने फोन को एक बार जो है वो रीसेट करना है, ठीक है। यहां पर रीसेट आपको कौन सा देखने को मिलता है, कुछ लोग जो है वो फॉरगेट भी कर ले यहां पर, तो आपने रिबोर्ट पे आपने क्लिक करना है। यहां पर रीसेट भी होता है, यहां पर आपको रिबोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपकी फोन की जितनी भी सेटिंग्स वगैरह साइड पर गई भी हो तो उससे सॉल्व हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी आपके फोन के अंदर वो भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।